रास्ते में रावण को जो है वो लक्ष्मण का तीर शिव परिक्रमा इस पे लिखा हुआ है। अभी हम तालाब के अंदर हैं। जय बजरंग वाली। पता लगे मोबाइल कैमरा सब उठा लीजिए। नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी हम हैं छोटी काशी अर्थात गोला गोकर्णनाथ में। तो आज हम आपको गोला गोकर्णनाथ घुमाएंगे और दिखाएंगे कैसा है ये तीर्थ। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, इस स्थान के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि त्रेता युग में राम और रावण के बीच जब युद्ध होने वाला था, तो रावण ने अपनी विजय की कामना से शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने खुश होकर जो है रावण को वरदान दिया और उसको अपना शिवलिंग रूप दिया और कहा इसको जाकर लंका में स्थापित कर दो, तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो रास्ते में रावण को जो है वो लक्ष्मणका लगी यानी पेशाब लगी। तो उसने शंकर जी ने कह दिया था कि इसको रास्ते में शिवलिंग को मर रखना, अगर इसको रास्ते में रख दोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तो रावण को एक रास्ते में जो है गढ़रिये का बच्चा दिखा, तो उसने उसको शिवलिंग दे दिया। वो गढ़रिये का बच्चा कोई और नहीं था, स्वयं विष्णु भगवान थे जो कि गढ़रिये का रूप रखकर आए थे। तो जब रावण ने शिवलिंग को बच्चे के हाथ में दिया, तो शिवलिंग का वजन बढ़ गया और उस बच्चे ने उस शिवलिंग को ज़मीन पर रख दिया। रावण जो है शिव जी की ये चालाकी समझ गया कि शिव जी जो है वो राम जी को जिताना चाहते हैं, इसलिए लंका जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए उसने क्रोध में आकर अपने हाथ के अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया, जिससे कि वो शिवलिंग जो है ज़मीन में धस गया और उसके ऊपर गाय के जैसा निशान बन गया। इसीलिए इसको गोला गोकर्णनाथ कहते हैं, क्योंकि इस पर गाय की तरह निशान बना हुआ है। और आज भी आप देख सकते हैं वो शिवलिंग जो है 2.5-3 फीट नहीं बल्कि 4-5 फीट जो है ज़मीन के नीचे है। यानी पहले तो मंदिर काफ़ी नीचे गड्ढे में, फिर उसके बाद उस शिवलिंग ज़मीन के नीचे है, जो मैं बाद में आपको दिखाऊँगा अगर वहाँ वीडियो बनाने के लिए मिला तो, अन्यथा अंदर मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और अभी मैं आपको इसके अंदर वो नाव जो है उसके अंदर ले जाकर भी आपको दिखाऊंगा, इसकी परिक्रमा करूंगा। तो ये है इससे जुड़ी हुई कहानी, और कहानियां अनेक हैं इस तीर्थ से जुड़ी हुई, लेकिन फ़िलहाल ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इसको छोटी काशी भी कहा जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो ये वो नाव है, अभी इसमें हम बैठ कर देखेंगे। तीर्थ शिव परिक्रमा इस पर लिखा हुआ है। चलें भैया, कितने रुपये? 20 रुपये, बहुत कम किराया, आ जाओ। अच्छा, 5 मिनट के। चलो भाई। अच्छा, ओहो, ये नाव का बना हुआ हंस है। खड़े हो जाओ। और देख सकते हैं अभी हम तालाब के अंदर हैं, और ये हमारे भैया पीछे ये पैरों से चलाने वाली नाव है, भैया चला रहे हैं। देखिए, वाह, ताकत लग रही होगी भैया। क्यों नहीं लगता? हाँ, सही कह रहे हैं आप। ओहो, और ये नाव हिल रही है, इस चक्कर में हमारा कैमरा भी हिल रहा है। और ये सामने भगवान शिव की विशाल मूर्ति है तालाब के बीचों बीच में। और भैया वहाँ पे वो क्या ताल, क्या कुआं है, क्या है वो? कुआं है, कुआं। और वो सामने वहाँ पर वो कुआं है, और ये पैर से चलाने वाली नाव है। मज़ा आ रहा भैया? और ये नाव वाले भैया हैं, बढ़िया। बिल्कुल काशी जैसी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम काशी में हों। सामने देखिए समुद्र मंथन का सीन बना हुआ है, और काफ़ी अच्छे इधर टैटू बनाए जाते हैं। इधर ये धर्मशाला वगैरह बनी है, और यहाँ बंदर बहुत बड़ी संख्या में, देखिए कितने कितने सारे बंदर। वाह, एक वो बंदर देखिए पानी में कितना एंजॉय ले रहा है। वाह, गर्मी का मौसम है और सारे बंदर तालाब के किनारे आकर जो है डुबकी लगा रहे हैं। ये देखो वो गया, डुबकी लगा रहे हैं एकदम जी। वाह, जय बजरंग वली भाई। अरे भाग गए यार देख के। चढ़ जा खंभे पे, चढ़ जा। वो आया ये, वाह, चढ़ जा। आप देखो खंबे से प्रतियोगिता चलेगी, ये आया खंबे पर और ये चढ़ा और ये जंप लगाएगा। देखिए वो चढ़ गए, यहाँ से जंप चलेगी। देखो ये, लगा दे भाई जंप, लगा दे। नहीं लगाएगा, उसका मन ही नहीं, मतलब मार दे जम जी। ये रेडी गेट, बनी नहीं भाई।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसे ही आपको नई से नई जगह दिखाते रहते हैं। पीछे बंदर आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पता लगे मोबाइल कैमरा सब उठा ले जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।